जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या कहता है, यही ना कि हमें जांच करानी चाहिए। अगर आपकी खेती से उम्मीद के मुताबिक अगर आपको उपज नहीं मिलती है तो क्या आप कभी मिट्टी जांच करवाते हैं? क्या कभी आपने इस बेजुबान लेकिन जीवंत मिट्टी से ये जानने की कोशिश की कि इसमें क्या कमी है? और इसकी कमी जाने बिना हम उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, इससे पता है क्या हो रहा है, हमारी मिट्टी बीमार हो रही है, हमारा जमीन खराब हो रहा है। बिल्कुल सही कहा है आपने, जब तक हमारे खेत का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब हम इससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी इससे बेहतर उपज होगी। तो आइए आज जानकारी प्राप्त करते हैं किस प्रकार से हमें खेत से नमूने लेने हैं। जी हाँ किसान भाइयों, और इसके लिए आप मिट्टी कहीं से भी नहीं ले सकते हैं। मिट्टी जांच के लिए नमूने लेने के कुछ तरीके होते हैं। मिट्टी का नमूना लेने के लिए हमें फावड़ा या खुरपी, एक बड़ी सी पॉलिथीन और एक पॉलिथीन बैग लेनी चाहिए जिसमें हमें इकट्ठा करना है ये मिट्टी। अपना नाम, पता, खेत का नाम लिखने के लिए आपको टैग की जरूरत होगी, पेन की जरूरत होगी और मापने के लिए स्केल की जरूरत होती है। तो चलिए जो सबसे प्रचलित तरीका है मिट्टी के नमूने लेने का, उसमें अंग्रेजी के वी आकार का एक गड्ढा खोदते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप उथली जड़ों वाली फसल ले रहे हैं या सब्जियां ले रहे हैं तो आप 15 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदें। और ऐसी फसलें जिनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं उनके लिए 30 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदें। और बागवानी के पौधों के लिए जैसे कि आम या लीची, उनके लिए 1 मीटर का गड्ढा खोदना होता है।